दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई परिस्थिति या समय ऐसा आता है जब हम बिल्कुल हेल्पलेस या असहाय महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसका कोई सलूशन नहीं है, जब हमें ये लगने लग जाता है कि अब यहाँ पे शायद लाइफ खत्म हो जाएगी, समटाइम लगता है कि बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कठिन समय की, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट, टफ टाइम। और हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी इसको फेस कर चुके हैं या कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे वो बिजनेस की डिफिकल्टी हो, लाइफ की डिफिकल्टी हो, एक स्टूडेंट के लिए एजुकेशन में डिफिकल्टी हो, हर सेगमेंट में देखोगे, जीवन के हर मोड़ पे लोग विषम परिस्थिति या चैलेंजिंग या टफ सिचुएशन का, टफ टाइम का सामना करते हैं। दोस्तों, कैसे लड़ना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए जब आपका टाइम टफ हो, जब आपको लगता है कि कुछ भी बहुत मुश्किल है, आप एक सही तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच नहीं पाते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल डार्कनेस में होते हैं। उस समय हम सबको ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट हम टफ टाइम में अपने चैलेंजिंग सिचुएशंस से बाहर निकल सकें। दोस्तों, समय है, ये चक्र है, इसका कभी अच्छा है कभी अच्छा नहीं है, ये तो होगा, बट हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में वो है कि अगर हमारे पास टफ सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, बिल्कुल डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल वक्त में है, तब हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे उससे निकलते हैं। और दोस्तों, जब आप अपने कठिन परिस्थिति से, बहुत मुश्किल वक्त से निकलते हैं, वहां से आपके जीवन का एक नया सफर शुरू होता है। तो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में अपने टफ टाइम से लड़ने में या मैनेज करने में। तो हमें करना क्या है, कुछ चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज इसमें है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर चीज बदली थी, बदल सकती है और बदलेगी। एवरीथिंग कैन चेंज एंड विल चेंज। कोई भी समय, आपका कोई भी फेज ऑफ लाइफ परमानेंट नहीं है, वो एक टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। आपने उस समय को निकालना है इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वो जो डिफिकल्ट समय है वो बदलेगा, वो चेंज होगा। और दोस्तों, आप देखिए, आपने अपने पास्ट में हो सकता है कि कुछ टफ टाइम्स देखे थे और आपने अपनी कोशिशों की वजह से, अपनी कोशिशों की मदद से आप उससे निकले, तो इसका मतलब यह है कि आप ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हैं उस तरह की चैलेंजेस को। और सिचुएशन कोई भी हो, टाइम कोई भी हो, परमानेंट है क्या, क्या हमेशा के लिए है क्या? तो क्या टफ टाइम हो गया, सिचुएशन टफ हो गया, चैलेंजिंग टाइम हो गया तो लाइफ खत्म हो गई? ऐसा नहीं है। और मैं कहूं आपको, टफ टाइम या चैलेंजिंग टाइम आपको सबसे ज्यादा सिखाता है। योर फेलियर्स आर द बिगेस्ट टीचर्स, वो सबसे ज्यादा आपको सिखाता है। जब आप मुश्किल वक्त में होते हैं तो क्या होता है, आप उससे निकलने के लिए कितना कुछ सोचते हैं, उससे निकलने का प्रयास करते हैं, और उस वक्त में कितना कुछ सोचते हैं, कितना कुछ समझते हैं। आप देखिए, अपने दोस्त से लेके, मित्र से लेके, रिश्तेदारों से लेके, इस दुनिया से लेकर के, सिचुएशन से लेकर के, कितना कुछ लर्निंग आपको मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है जब आपको लगता है कि इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब होता है, जहां पे ऐसे ऐसे भी आपका साथ छोड़ सकते हैं, वो सब भी तो लर्निंग है, हम सीखते हैं। तो टफ टाइम आ रहा है, डिफिकल्ट टाइम आ रहा है, उससे हारना नहीं है, उससे भागना नहीं है, ये सीखना है और ये समझना है आपको कि वो टाइम आपको कुछ सिखाने आया है, कुछ अच्छा बनाने आया है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई विश थी, वो पूरी नहीं हुई, या डिफिकल्ट टाइम आ गया, सिचुएशन खराब हो गया, समय बिल्कुल विपरीत हो गया, प्रतिकूल हो गया, तो आप, कई बार ये होता है और मैंने बहुत लोगों के साथ ये देखा है, खुद भी ऐसा महसूस किया है कि सम टाइम जो चीज आपको नहीं मिल रही है वो फ्यूचर में या बाद में एज अ ब्लेसिंग काम करती है, और लगता है कि अच्छा हुआ वो नहीं मिला, अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। तो सम टाइम कुछ नहीं होना भी लाइफ में अच्छे के लिए ही होता है। तो हम जब भी डिफिकल्ट टाइम में हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है कि जो चीज अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है,
अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लाइफ के बराबर उसको सोच रहा हूं कि ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ, या ऐसा ऐसा नुकसान हो गया, ऐसा कुछ बिगड़ गया, वो बाद में आपको लगे कि इतना रिलेवेंट नहीं था। तो हो सकता है कि आपको वो चीज नहीं मिलनी भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए, आपके लिए अच्छा है, जो बाद में आपके आपका जब समय चेंज होगा, जब बाद में आप देखोगे तब रियलाइज करोगे कि अच्छा था वो आपको नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है। तो फिर चैलेंजिंग टाइम से, टफ टाइम से क्यों घबराएं, क्यों परेशान हो जाएं, क्यों अपने आप को खत्म कर लें? और दोस्त, जब हम चैलेंजिंग टाइम में होते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा अगर हम किसी को पनिश करते हैं तो वो खुद, हम खुद को पनिश करते हैं, खुद को परेशानी में डालते हैं, खुद को उस मेंटल स्टेट में डालते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं होता, हमारे लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं होता, प्रोडक्टिव नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता है। हम खुद पे कर्स करते हैं, खुद को बुरा बोलते हैं, खुद पे डाउट करते हैं। दोस्त, ये कभी मत कीजिए। आज जिस समय को आप देख रहे हैं, आपका एक लिमिटेड व्यू है उसको देखने का। अभी के हिसाब से या अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी विश के हिसाब से आप इस उस चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप खुद को पनिश करने लग जाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, खुद को कोसने लग जाते हैं, खुद को बुरा बोलने लग जाते हैं। दोस्तों, ये सबसे गलत काम है या सबसे एक नेगेटिव चीज है जो बहुत सारे लोग करते हैं अपने टफ टाइम में। बोलते हैं ना, बींग काइंड टू योर सेल्फ इज द बेस्ट मेडिसिन। तो खुद के प्रति थोड़ा दया का भाव रखिए, स्पेशली जब आप का समय विपरीत हो, जब आपके लिए टाइम टफ हो, जब आपके लिए समय अनुकूल नहीं हो। खुद पे दया दिखाइए, खुद पे डाउट नहीं कीजिए, खुद को पनिश नहीं कीजिए, खुद को कर्स मत कीजिए। इससे क्या होता है, आप धीरे धीरे सेल्फ लव को लूज करने लग जाते हैं और बॉडी आपकी एक निगेटिव स्टेट में चली जाती है आपके माइंड के साथ। और दोस्त, लाइफ में सिचुएशन कितना भी टफ हो, टाइम कितना भी चैलेंजिंग हो, समय कितना भी बुरा है, देयर इज ऑलवेज 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 समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। इस बात को कभी मत भूलिएगा आप। कितना भी कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपकी कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ही जिससे आप थैंकफुल या ग्रेटफुल फील कर सकते हो। उन मोमेंट्स को कभी मत छोड़िए। और उस डिफिकल्ट टाइम में, उस अच्छे समय में, मैं अगर एग्जांपल लूं दोस्त, किसी के साथ मान लीजिए बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, किसी के साथ कोई बहुत अनहोनी हो गई, किसी ने अपने इवन लव्ड वन को भी लूज कर दिया, तब भी उस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी, किसी के साथ वैसा वक्त ना आए, लेकिन अगर उस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी कुछ लोग उसके साथ फिर भी होते हैं उसके परिवार में, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, स्टिल कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए आप थैंकफुल रह सकते हैं, ग्रेटफुल रह सकते हैं। स्टूडेंट है, उसका एजुकेशन में बहुत साल खराब हो गया या 2 साल खराब हो गया, स्टिल उसके पास कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए वो क्या हो सकता है, थैंकफुल हो सकता है, ग्रेटफुल हो सकता है। हमेशा उन मौकों को, उन मोमेंट्स को याद करिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हैं, थैंकफुल रह सकते हैं। तो कभी भी अगर समय खराब आए, सिचुएशन टफ हो, चैलेंजिंग हो, इन कुछ चीजों का ध्यान रखिए। समय है तो बदलेगा, सूरज अगर ढला है तो अगले दिन वो उगेगा भी। उस समय का इंतजार कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे डाउट नहीं कीजिए, और छोटी छोटी जो अच्छी चीजें हैं उसको सोचिए, थोड़े अपने को पॉजिटिव स्टेट में रखिए, अपना जो कार्य है, अपना जो कर्म है उसको करते रहिए। क्योंकि याद रखिए, हो सकता है जिस चीज के पीछे आज आप भाग रहे हैं, भविष्य में आपको लगे कि इतना जरूरी नहीं था जितना उस समय मैंने सोचा था। चैलेंजिंग सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ मेरे टिप्स हैं, इसको याद रखिए। चैनल पे अगर आप नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नमस्कार।